एक बार फिर तो एक स्कूल बस के नाल वड्डा हादसा वापरिया जिथे बस दे विच 20 दे करीब बच्चे सवार सन ते ए बस अचानक सड़क ते पलट गई। इस विच सवार सारे बच्चियां नू सट्टां भी लगियां ने। गनीमत रही है कि कोई जानी नुकसान नहीं होया। दस्या जा रहा है कि इस स्कूल जांदे समय बस दा संतुलन बिगड़िया है। ओह वी कारण ही दस्या जा रहा है कि जदों ये बस ड्राइवर बस चला रहा सी तां इस दे सामने भी कुछ बच्चे आ गए सन, जिन्हां नू बचाउण दे लई इस ड्राइवर ने मोड़ कटिया तां बस दा संतुलन बिगड़ गया ते स्कूल बस पलट गई। इस विच सवार कई बच्चियां नू सट्टां भी लगियां ने, जिन्हां नू मुढ़ली डॉक्टरी सहायता भी दित्ती गई है। मामला करनाल तो सामने आया है। करनाल दे ही कि निजी स्कूल दी है स्कूल बस दस्ती जा रही है, जिस दे नाल हादसा होया है। गनीमत रही है किसी भी बच्चे नू ज्यादा सट्टा नहीं लगिया ते ना ही कोई जानी नुकसान होया है। पर एक बारी तस्वीरां दे विच इस बस दे हालात देखो, स्कूल बस दे अंदर किन्ना ज्यादा नुकसान होया है। सीटां टुट चुकियां ने, शीशे टुट चुके ने, तां अगला हिस्सा जिहड़ा आ बस दा ओह वी बुरी तरह दे नाल नुकसानिया गया है, जिस करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस विच सवार बच्चियां दा की हाल होया होएगा। फिलहाल पुलिस दे वल्लों इस बस दे ड्राइवर नू हिरासत च लिया गया है ते पुछ पड़ताल कीती जा रही है। ड्राइवर दे वल्लों यही दस्या जा रहा है कि बस दे अगे कुछ बच्चे आ गए सन, जिन्हां नू बचाउण दे लई उस दे वल्लों जिवें ही मोड़ कट्टिया गया तां बस दा संतुलन विगड़ गया ते बस पलट गई। फिलहाल बच्चे सारे सुरक्षित ने, कोई जानी नुकसान नहीं होया। थाना निसिंग छत्र एरिया की घटना है। रॉयल पब्लिक स्कूल की बस बच्चों को स्कूल में लेकर आ रही थी और एक पुलिया के पास कुछ दूसरे बच्चे जो पैदल जा रहे थे वो एकदम बस के सामने आ गए। उनको बचाने के उसमें आगे गड्ढा था, बस का डिसबैलेंस हो गया और बस पलट गई थी। इसमें 20 बच्चे सवार थे बस में, 13 बच्चों को मामूली चोटें आई थी और उसको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। अभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई पेरेंट्स की तरफ से, जैसी शिकायत प्राप्त होगी नहीं मान सकता। हादसे का कारण कि अचानक कुछ पैदल जाने वाले बच्चे बस के सामने आ गए थे, उनको बचाने में जैसे गए तो पुलिया का आगे गड्ढा भी था जिससे बस का बैलेंस खराब हो गया। बस चालक से पूछताछ की जा रही है। बस चालक से पूछताछ की जा रही है। एक बार फिर तो एक स्कूल बस के नाल वड्डा हादसा वापरिया जिथे बस के विच 20 के करीब बच्चे सवार सन ते ए बस अचानक सड़क ते पलट गई। इस विच सवार सारे बच्चियां नू सट्टां भी लगियां ने। गनीमत रही है कि कोई जानी नुकसान नहीं होया। दस्या जा रहा है कि इस स्कूल जाते समय बस का संतुलन बिगड़िया है। वह भी कारण ही दस्या जा रहा है कि जो ये बस ड्राइवर बस चला रहा सी तां इस दे सामने भी कुछ बच्चे आ गए सन, जिन्हां नू बचाउण दे लई इस ड्राइवर ने मोड़ कटिया तां बस का संतुलन बिगड़ गया ते स्कूल बस पलट गई। इस विच सवार कई बच्चियां नू सट्टां भी लगियां ने, जिन्हां नू मुढ़ली डॉक्टरी सहायता भी दित्ती गई है। मामला करनाल तो सामने आया है। करनाल दे ही कि निजी स्कूल दी है स्कूल बस दस्ती जा रही है, जिस दे नाल हादसा होया है। गनीमत रही है किसी भी बच्चे नू ज्यादा सट्टा नहीं लगिया ते ना ही कोई जानी नुकसान होया है। पर एक बारी तस्वीरां दे विच इस बस दे हालात देखो, स्कूल बस दे अंदर किन्ना ज्यादा नुकसान होया है। सीटां टुट चुकियां ने, शीशे टुट चुके ने, तां अगला हिस्सा जिहड़ा आ बस दा ओह वी बुरी तरह दे नाल नुकसानिया गया है, जिस करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस विच सवार बच्चियां दा की हाल होया होएगा। फिलहाल पुलिस दे वल्लों इस बस दे ड्राइवर नू हिरासत च लिया गया है ते पुछ पड़ताल कीती जा रही है। ड्राइवर दे वल्लों यही दस्या जा रहा है कि बस दे अगे कुछ बच्चे आ गए सन, जिन्हां नू बचाउण दे लई उस दे वल्लों जिवें ही मोड़ कट्टिया गया तां बस दा संतुलन बिगड़ गया ते बस पलट गई। फिलहाल बच्चे सारे सुरक्षित ने, कोई जानी नुकसान नहीं होया। थाना निसिंग छत्र एरिया की घटना है। रॉयल पब्लिक स्कूल की बस बच्चों को स्कूल में लेकर आ रही थी और एक पुलिया के पास कुछ दूसरे बच्चे जो पैदल जा रहे थे वो एकदम बस के सामने आ गए। उनको बचाने के उसमें आगे गड्ढा था, बस का डिसबैलेंस हो गया और बस पलट गई थी। इसमें 20 बच्चे सवार थे बस में, 13 बच्चों को मामूली चोटें आई थी और उसको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। स्कूल जा रहे थे नहीं, ऐसे ही नहीं है, कुछ नॉर्मल थी और प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों को कर दिया। कुछ
कोई इसमें मामला भी दर्ज हुआ है पेरेंट्स? अभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई पेरेंट्स की तरफ से, जैसी शिकायत प्राप्त होगी नहीं मान सकता। हादसे के कारण का पता चल पाया? हादसे का कारण कि अचानक कुछ पैदल जाने वाले बच्चे बस के सामने आ गए थे, उनको बचाने में जैसे गए तो पुलिया पे आगे गड्ढा भी था जिससे बस का बैलेंस खराब हो गया। बस चालक से पूछताछ की जा रही है सर? बस चालक से पूछताछ की जा रही है।